हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जानेंगे लैला और मजनू की बेइंतहा मोहब्बत के बारे में। दोस्तों, वाकई में कहा जाए लैला और मजनू की प्रेम कहानी झकझोर देने वाली कहानी है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल यह कहानी उस दौर की कहानी है जब प्रेम करना गुनाह माना जाता था और प्रेम को एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता था। एक कहानी है 11वीं शताब्दी की, जब अरब देश में अमीर परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम कैस रखा गया। कई ज्योतिषियों ने इस लड़के की भविष्यवाणी की कि ये लड़का प्रेम में दीवाना होकर दर दर भटकता फिरेगा। लेकिन शाह आमिर ने ज्योतिषियों के बात को झूठा कहने के लिए कई मन्नतें की कि कैस को प्रेम रोग ना पकड़े। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता। प्यार एक ऐसी पहेली है जो अनजान लोगों के बीच गहरा रिश्ता बना देती है। मजनू को मदरसे में पढ़ते समय नास्त की बेटी लैला से प्यार हो गया और मजनू के प्रेम का असर लैला पर भी पड़ा और भी मजनू से बहुत प्रेम करने लगी लैला। जब ये बात लैला के घर वालों को पता चली तो लैला को घर में कैद कर दिया गया। यहाँ तक कि लैला की शादी बख्त नामक व्यक्ति से करा दी गई। लेकिन लैला ने अपने शौहर को बता दिया कि वह मजनू से प्रेम करती है, मजनू के सिवा उसे कोई नहीं छू सकता। लैला को बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन लैला मजनू की प्रेम दीवानी लैला नहीं मानी। तब उसके सोहन ने लैला को तलाक दे दिया। लैला मजनू की खोज में जंगलों में भटकने लगी। जब उसे मजनू मिला तो उन्होंने दोनों वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जब यह बात लैला के माँ को पता चली तो लैला को मजनू से अलग कर उसे घर ले गई। इन दोनों के प्यार के बारे में जब लैला के भाई को पता चला तो उसने लैला के प्रेमी मजनू की हत्या कर दी और लैला भी अपना प्राण त्याग दी। और एक कहानी ये भी है कि जब मजनू रास्ते से गुजर रहा था तो उसे पत्थरों पर लैला मजनू के प्यार को देखकर समाज के लोगों ने उनके बीच और ना लगाकर लैला मजनू के नाम से पुकारते हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी अमर हो गई है। और उनकी एक कहानी ये भी है कि जब मजनू रास्ते से गुजर रहा था उसने पत्थरों पर कुछ कविताएं लिखी जो इस प्रकार हैं। मैं इस दीवार से गुजरता जाऊंगा जिस दीवार से लैला गुजरती है, और मैं उस दीवार से जुम्मा करूंगा जिससे लैला गुजरती है। ए मेरे दिल, मेरे दीवारों के प्रति प्यार नहीं है जो मेरे दिल को खुश करता है, और जो दीवारों के पास से चलकर मेरा ध्यान आकर्षित करता है उससे मुझे प्यार है। दोस्तों, ये लैला मजनू की दर्दनाक भरी कहानी है। लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई, कुछ विद्वानों को अलग अलग मत हैं। खैर, जैसे भी उनकी मृत्यु हुई हो, परंतु उन दोनों को एक साथ दफनाया गया, क्योंकि कहते थे कि वे लोग इस जन्म में एक साथ नहीं रह सके तो जन्नत में जा करके एक साथ रहे, इसलिए उन्हें एक साथ दफनाया गया। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।